दोस्तों नमस्कार, घटना चक डिजिटल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में लगातार यूपीएससी एस्पिरेंट की भीड़ बढ़ती जा रही है और एक जगह है दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर। वहां हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी मानवता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसे भी कैसे हो सकता है। 3 बच्चों की जान, कोचिंग में जो पढ़ रहे थे, बेसमेंट में पढ़ रहे थे, वहां उनकी जान चली गई। उन जानों को कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। जबकि दिल्ली में लगभग 10 लाख से ज्यादा आबादी यूपीएससी की तैयारी करने वाली रहती है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यूपीएससी का सपना लेकर दिल्ली आते हैं, लेकिन अगर उनकी जान चली जाए तो समझा जा सकता है कि उनके माँ बाप पर, उनके परिवार पर, उनके आसपास के समाज पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे संस्थान के चीफ एडिटर सर श्री संतोष चौधरी। सर, सर इसमें स्वागत करना जैसा तो आज कुछ है नहीं। नहीं, स्वागत की सर बात। क्या कहेंगे इस पर? इस पर देखिए, शोक संतप्त परिवारों और जो छात्र समुदाय है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना सबसे पहली बात है। और यहां ज्ञान बांटने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। हम यहां उस बात पर विचार कर सकते हैं कि जो छात्र समुदाय हमारा भयाक्रांत है, आगे की राह उसे सूझ नहीं रही है कि हम अपनी आगे का अध्ययन कैसे सुचारू रूप से संचालित करें, उस पर एक विचार करने की जरूरत है कि क्या ऐसे प्रावधान होने चाहिए, क्या सरकार को किया जाना चाहिए, क्या संस्थाओं द्वारा प्रयास होने चाहिए। इन सब बातों पर एक समग्र विचार होना चाहिए। दोषारोपण जरूर होना चाहिए जो इसके प्रति जिम्मेदार हैं, चाहे सरकार हो चाहे संस्थाएं हो, उनको जिम्मेदारी भी लेना चाहिए, दोषारोपण भी होना चाहिए और दोष का प्रमाणन होना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो भयाक्रांत छात्र समुदाय है वो अपना आगे की यात्रा कैसे जारी करे, उस पर भी एक विमर्श होना चाहिए। इसमें भी सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का विचार समन्वित रूप में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, दिल्ली के एमसीडी ने तकरीबन 29 कोचिंग्स को जो बेसमेंट में चल रही थी उनको बैन किया, उनको सीज कर दिया, उनको प्रतिबंधित कर दिया कि आप बेसमेंट में कोचिंग नहीं चला सकते हैं। सर, ये टेक्निकल इशू है, एक्चुअली समस्या क्या है सर, ये बेसमेंट में चलाने में दिक्कत क्या आती है? देखिए, इसको बहुत बेसमेंट तक सीमित करने की बात नहीं हो सकती। आज समस्या हम बेसमेंट की देख रहे हैं, कल समस्या आसमान से आ सकती है, कल समस्या आग हो सकती है। अब किसी ने नहीं सोचा था, लोग आग पर, फायर अलार्म पर, इन सब बातों पर विचार करते थे और समस्या आ गई बेसमेंट की तो हम इस पर विचार करने लगे। तो दरअसल किसी एक पक्षीय विचार या एक पक्षीय समस्या पर विचारण नहीं होना चाहिए, समग्र विचारण होना चाहिए कि समस्याएं कहां से आ सकती हैं, चूक कहां हो सकती है। और ये नीति नियंताओं का काम है, ये सरकार का काम है और इंजीनियरिंग का काम है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग एकदम भयमुक्त हो सकें कि एकदम कोई ऐसी आपदा ना आ जाए जो मानव के बस के बाहर हो तो हम सुरक्षित अपने को महसूस करें। तो इस तरह से एक पैटर्न होना चाहिए। सर, आमतौर पर देखा जाता है जब कोई समस्या आती है, इस तरह की सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किसी एक दो चार लोगों को निशाना बनाया जाता है और समस्या पर ही बात होती रहती है और समस्या पर बात होते होते बात खत्म हो जाती है और वो पक्ष ओझल हो जाता है। हाँ, लोग कहते भी है कि दो चार दिन में, दो चार दिन ऐसे चलेगा, दो चार दिन के झंझावात हैं। और इस बात से लोग भी बहुत सहमत हो चुके हैं, सरकार भी यही समझती है कि त्वरित निर्णय क्या हो, त्वरित समाधान कैसे हो जाए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई बनाने की बात नहीं होती, त्वरित कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे मरहम लग जाए और उसके बाद सब अपने कार्य व्यापार में पूर्व की भांति संलग्न हो जाए। लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए। विचारण दीर्घजीवी होना चाहिए, विचार इस प्रकार से होना चाहिए कि एक लंबे अंतराल पर
किसी समस्या के समाधान हेतु हम क्या कर सकते हैं, लोगों को भयाक्रांत होने से कैसे बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, स्मृतियों में, जेहन में ये बातें बनी रहती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि गुजरात में अगर गेमिंग जोन में कितने बच्चे मारे गए और यहीं मुखर्जी नगर में कई बच्चे आग से झुलस गए तो वो स्मृतियां हमारे जहन से चली जाएंगी। ऐसा नहीं, वो जहन में रहती हैं और उसका परिणाम आता है, सरकारें भी बदल जाती हैं, लेकिन विचार नहीं होता। एक सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, लेकिन विचार दीर्घजीवी होना चाहिए। अब अगर दिल्ली पर भार बढ़ रहा है, छात्रों का भार बढ़ रहा है, तो क्या होना चाहिए, इस बात पर विचार जरूरी है। और निश्चित रूप से दिल्ली का भार कम होना चाहिए, हमको उसी दिशा में सोचना चाहिए। अभी फिलहाल त्वरित तो यही संभव हो सकता है, अन्यथा व्यवहारिक रूप से क्या संभव है। व्यवहारिक रूप से ये नहीं संभव है कि आप छात्रों को आने से रोक दें, किसी को अध्ययन से रोक दें, वो तो नहीं बंद होने वाला है, चार दिन में लोग भूल करके फिर वही काम करेंगे। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होना चाहिए जिससे त्वरित एक समाधान प्राप्त हो कुछ ही दिनों के अंदर, और एक ऐसा समाधान प्राप्त हो जो एक लंबी अवधि में हमें भयमुक्त कर सके कहीं भी जाकर पढ़ने के प्रति। सर, एक वेस्टर्न फिलोसफर प्लेटो कहते हैं कि हम कई बार समस्याओं को तात्कालिक तौर पर सॉल्व करना चाहते हैं, मरहम लगा के, किसी के गुस्से को शांत करके, जबकि एक नकारात्मक अवधारणा है। जो आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस बता रहे हैं, किसी भी चीज को कैसे हम काबू कर सकते हैं, उस स्थिति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, सर क्या ऑप्शन हो सकता है एग्जैक्ट, अगर टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन की बात करें, क्योंकि सर ये दुनिया जो है 21st century की है जी, और हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, सर हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि हम इस समस्या से बच भी जाएं और सभी को समावेशी शिक्षा और सुलभ शिक्षा उपलब्ध भी हो पाए। देखिए, एक तो पक्ष ये है कि जिन लोगों ने गलती की, जिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, चाहे वो सरकार के पक्ष की हो चाहे संस्थाओं के पक्ष हो, उनको सजा आवश्यक है। और दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी से कैसे इसको सहज बनाए, तो उसका समाधान हम लोगों के पास काफी उपलब्ध है। आज आप देख रहे हैं कि जितने लोग पढ़ना चाहते हैं क्या वो सब ऑफलाइन किसी एक जगह पढ़ पाएंगे। इसी का नतीजा है कि दिल्ली के बड़े संस्थान छोटे शहरों में आ रहे हैं, और तब भी पूरा नहीं होगा तो लोग ऑनलाइन उसी का कोर्स ले रहे हैं। बस ऑनलाइन में थोड़ी समस्या है कि लोगों को उस तरह से टीचर्स से रूबरू होने में समस्या होती है, और लगातार मोबाइल पर पढ़ना उस प्रकार से संभव नहीं होता है। तो उसका एक और समाधान यह हो सकता है कि क्लासरूम उसी प्रकार से बनाए जाएं, रिमोट एरियाज में, छोटे छोटे शहरों में, गांवों में, और उसको कनेक्ट कर दिया जाए मुख्य क्लासरूम से, जिससे लोग अपने ही स्थान पर उन्हीं बड़े टीचरों से, उन्हीं अपने लोकप्रिय टीचरों से पढ़ सकें, और इस प्रकार से उनका काफी पैसा कहीं आने जाने रहने खाने का बचेगा, और एक स्वस्थ एनवायरमेंट में अपने आत्मीय जनों के पास रहते हुए बिना किसी भय के अध्ययन कर सकेंगे। इससे कई प्रकार के जो लाभ होंगे वो तो होंगे ही। घटनाचक संस्थान के एक समावेशी पहल के बारे में भी हाल ही में देखा, उसके बारे में क्या है, वो कैसे बेहतर हो सकता है, क्या ऑप्शन है वो, और वो है क्या? देखिए, जो बात अभी हम कह रहे थे कि टेक्नोलॉजिकली ये संभव है, यहां हम कोई बिजनेस व्यापार की बात नहीं करेंगे, केवल ये बताएंगे कि यह संभव है कि किसी भी ऐप से किसी भी साइज की टेलीविजन में, टीवी में, उस क्लास को ट्रांसफर कर दिया जाए, स्क्रीन शेयर कर दिया जाए और बच्चों को वहां बैठा दिया जाए, तो वह उसी प्रकार से फील करेगा जिस प्रकार से क्लास में बैठ करके अध्ययन किया जाता है। और यह संभव है तकनीकी रूप से, और इसको बड़े संस्थानों, बड़े टीचरों को अप्लाई करना चाहिए। बस इतना ही होगा कि डायरेक्ट कोई प्रश्न पूछना होगा तो तकनीकी रूप से ही, डिजिटली ही प्रश्न पूछ लेगा छात्र, और कभी वह स्वयं किसी एक शहर में आकर के संबोधित कर सकते हैं, उनके बच्चों के प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समस्या जो दिल्ली पर भार के रूप में आ रही है कि दिल्ली बोझ सहन नहीं कर पा रही है, उस समस्या का समाधान फौरी तौर पर बहुत जल्द किया जा सकता है, महीने दो महीने के अंदर, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कुल मिलाकर सर, आपका मतलब ये है कि जो तकनीक होगी वो मानवीय जद्दोजहद को काफी हद तक कम कर सकती है फौरी तौर पर।
फौरी तौर पर, बहुत जल्द फौरी तौर पर नहीं, ये अस्थाई समाधान हो सकता है बसरते यूज टू लोग हो जाएं, जल्दी हो सकता है। ऐसे तो बहुत से समाधान सुझाए जा रहे हैं कि कहीं एक स्थान पर हब बनाया जाए दिल्ली में, जहां सारे कोचिंग संस्थान एक जगह हो जाए, उनको जमीनें दी जाए, लेकिन ये बहुत व्यवहारिक इसलिए नहीं प्रतीत हो रहा है कि इतनी जमीन मिलेगी कहां दिल्ली में, और फिर उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितने दिन में खड़ा होगा, फिर उसमें शिफ्टिंग कैसे होगी, कितने लोग वहां जाना पसंद करेंगे और कितने नहीं करेंगे, फिर छात्रों के रिहायश का क्या होगा, केवल कोचिंग आ जाने से तो नहीं होगा, छात्रों के रहने की व्यवस्था, उनके अन्य संसाधन वहीं चाहिए, किताब की दुकानें वहीं चाहिए, फोटो स्टेट वहीं चाहिए। तो इस प्रकार से एक समग्र व्यवस्था करने में उतना व्यवहारिक मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है कि इतना जल्दी ये संभव है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली ये संभव है कि किसी भी स्टूडेंट को उसके बहुत ही नजदीक उसको क्लासरूम की तरह की अनुभूति प्रदान करा दी जाए, और वह काफी सस्ती भी होगी, चीप एंड बेस्ट भी होगी, क्योंकि जब एक टीचर के लिए एक क्लासरूम सीमा नहीं रह गई तो वह लाखों छात्रों को एक साथ पढ़ा सकता है, कास्ट बहुत कम आएगी। एक किसी विद्वान का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें कह रहे थे कि बाहर जाकर के किसी अच्छे टीचर को 20,000 रुपए प्रति घंटा नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं जाता वो दूसरी जगह। तो पहला अव्वल तो 20,000 रुपए प्रति घंटा चाहिए क्यों, और दूसरी बात कि 20,000 रुपए प्रति घंटा भी इस तरह से मिल सकता है, ज्यादा स्टूडेंट को अगर एक साथ कोई पढ़ाए तो, और यह संभव है, और स्टूडेंट भी इस बात पर सहमत होगा कि उसे टीचर्स की क्लास चाहिए, ना कि उसका चेहरा उसको देखना है सामने। हाँ, ये बात है कि एकदम सामने त्वरित प्रश्न पूछना और समाधान होना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको बियर करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, और इसी के साथ चलने की आदत भी डालनी पड़ेगी, और धीरे धीरे लोग उससे सहमत भी होंगे और इसको अपने व्यवहार में लेकर के आएंगे। तो इस तरह से एक समाधान हो सकता है, और बाकी तो छात्रों के प्रति संवेदनाएं हैं, जिनकी मौत भी है, उनके उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, उनकी इस सदमे को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, आगे इस प्रकार की घटना कतई ना हो, छात्रों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, आगे भविष्य में इस प्रकार की किसी भी रूप में घटना हमें आहत ना करे, इसके लिए ये सब बातों पर विचार जरूरी है। इसके लिए हम अभी, हो सकता है कि वक्त ये मौजूद ना हो, आपको लग सकता होगा कि ये ज्ञान देने जैसी बात है, लेकिन कभी ना कभी इस पर विचार करना ही पड़ेगा, और उसी सिलसिले में आज नहीं विचार करेंगे तो फिर ये 2-4 दिन बाद ये विस्मृत हो जाएगा, और फिर हम लोग उसी ज्यों का त्यों उसी यथा स्थिति पर आ जाएंगे। तो आज विचार करने की जरूरत है, विचार सभी को करना चाहिए, सभी को अपना पक्ष रखना चाहिए, और अगर व्यवहारिक कुछ है तो उसे बताना चाहिए, क्योंकि इस व्यवहारिक बात को हम लोग देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं अपने यहां, और इसको संभव बना सके हैं, इसलिए हम लोग अपना विचार साझा करना जरूरी समझ रहे हैं आज के इस दुख भरे समय में भी, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह रही कि इसका एक ऑप्शन ये हो सकता है कि डिजिटल पॉइंट टाइप की चीजें हों, जहां दूर क्लासरूम हो वहां टीवी लगा दिया जाए, और बच्चे ठीक वैसे ही जैसे टीचर से पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ पाए। दोस्तों, AI और रोबोटिक्स की दुनिया में जैसा सर ने कहा कि हो सकता है कि इंटरेक्शन की समस्या हो, लेकिन जब आप युद्ध के मैदान में आएंगे, किसी नए कौशल के साथ संवाद करेंगे, तो संवाद जो है आपको नए नए एडवांसमेंट भी बताता है, और हो सकता है सर कि निकट भविष्य में इस बात को भी सॉल्व कर लिया जाए कैसे इंटरेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, धीरे धीरे ये सहज हो जाएंगे, उस नई तकनीक में भी धीरे धीरे लोग सहज हो जाएंगे, और ज्यादा एडवांसमेंट आता ही जाएगा। और रिमोट एरिया में इस तरह से करने से एक फायदा यह भी है कि एक बच्चा जो किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ता है, कई सारे मोर्चों पर लड़ता है, अपने स्वास्थ्य के मोर्चे पर, पोषण के मोर्चे पर, कि उसको ढंग से पोषण नहीं मिलता, इलाहाबाद दिल्ली जैसे शहरों में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 टाइम खाना नहीं बना पाते हैं, इस तरह के संघर्ष से सर दो चार होता है। बिल्कुल, बहुत होता है, हम लोग तो देख चुके हैं ये चीज अपने समय में देख चुके हैं, और आज भी देख रहे हैं, क्योंकि जुड़ाव भी रहा है ऐसे लोगों से, इस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, ऐसे तमाम छात्रों से परिचय है जो कि हम लोग जानते हैं उनकी समस्याओं से रूबरू हैं,
इसी वजह से हम लोग जरूरी समझते हैं कि इस पर विचार हो और इसी वजह से विचार कर भी रहे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो इमोशनल ड्रामा है, हेल्थ की समस्या है, पोषण की समस्या है, वो समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। कुल मिलाकर हमारे संस्थान की ओर से हम उनकी जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन गहरे मन से और द्रवित हृदय से उनको संवेदना व्यक्त करते हैं। सर, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। अब संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं। अगर हम लोगों के बस वाली कोई भी चीज हो और कोई ऐसा मंच बनता है जिसमें हमारा सहयोग हो सकता है, तो हम लोग भरसक अपनी पूरी ताकत से उसमें सहयोग समर्थन के लिए तैयार हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लोग समाप्त करेंगे।